नागपुर में विदर्भ भर से आए किसानों ने अनोखे रूप से प्रदर्शन कर अपनी मांग सरकार के सामने रखी। समाजसेवी श्वेता भट्ट ने सफेद परिधान में चार हाथों वाली देवी भारत माता को के रूप में नजर आई। हाथ में तिरंगा झंडा और कमल का फूल लिए हुए श्वेता ताबूत में बंद होकर कब्र में सोने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर धरती माता के बुरे हाल में होने का संदेश देती नजर आई। श्वेता भट्ट ने 2 घंटे के लिए समाधि ली। 3 फीट गहरे गड्ढे में खुद को ताबूत में बंद कर श्वेता करीब 2 घंटे तक समाधि में रही। किसान विदर्भ में गए किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश तुरंत लागू करवाना चाहते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं मिलने पर अब किसान प्रदर्शन करने लगे हैं। आज यहाँ पे स्वामीनाथन कमीशन के लिए जो पूरे फार्मर्स ने स्ट्रेंथ बताई है और पूरे विदर्भ से यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक विश्वास है मन में कि हायर अथॉरिटीज़ या जो भी इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेने वाले हैं वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे और सेंसिटाइज होंगे इस चीज़ के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7वें वेतन आयोग के साथ साथ स्वामीनाथन आयोग भी लागू हो उसके पहले ही। देखो, 7वां वेतन आयोग लगने से आपके बच्चे को एक प्रॉपर दिमाग के नरिशमेंट की ज़रूरत है। टीचर्स या जो भी इस 7वें वेतन आयोग में आते हैं वैसे ही बॉडी के नरिशमेंट में की तो भी ज़रूरत है ना, तो किसान आते हैं ना और वो तो पहले ही आते हैं, तो उसके बारे में पहले सोचना ही चाहिए।